हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल नरेश के व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक मजे में होंगे। तो दोस्तों, ये व्लॉग है बलूचिस्तान का मेले का व्लॉग है। मेले का बलूचिस्तान में एक मंदिर है किशनपुरी, जहाँ हर साल मेला लगता है। एक साल तो नहीं लगा कोरोना की वजह से, अभी मेला लगा है। कोस्तान के लोग आते हैं, वैसे तो बलूचिस्तान में ज़्यादा लासी लोग आते हैं। तो दोस्तों, मैं तो मेले पे नहीं गया, बिजी की वजह से मेले पे नहीं जा सका। मेरा भाई गया था, पूरी वीडियो उसने रिकॉर्डिंग की है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं। तो दोस्तों, ये कराची का टूल। कामा काम गरीब से 210 रुपये ले लिए इसने। तो दोस्तों, अभी हम दाखिल हो चुके हैं अब चौकी के रोड में। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, आइए ये भजन थोड़ा सा सुनते हैं। और ये हब चौकी का टूल, बलूचिस्तान का टूल ये है। अभी हम हब चौकी के अंदर दाखिल हो चुके हैं। तो फाइनली दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं अपने रिश्तेदारों के घर। जाएंगे वहां पे कुछ नाश्ता वगैरह करेंगे, फिर निकलेंगे। तो दोस्तों, अभी हमारे पास आई है चाय, अभी हम चाय पियेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी हम रोटी खाते हैं। तो दोस्तों, हब चौकी से होकर अभी हम जाएंगे विंदर में।
तो फाइनली दोस्तों अभी हम विंदर में पहुंच चुके हैं, कुछ यहाँ पे रेस्ट करेंगे, कुछ आराम करेंगे, फिर तैयार होके हम सीधा जाएंगे मेले पे। तो जी दोस्तों विंदर से होके अभी हम जा रहे हैं मेले पे। पहले एक माता का मंदिर आता है लयारी में, उसका दर्शन करेंगे, फिर हम सीधा मेले पे जाएंगे। माता के मंदिर से होके अभी हम सीधा मेले पे जा रहे हैं, अभी कुछ मिनट में हम मेले पे पहुंच जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों अभी हम मेले पे पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम कुछ वीडियो शूट नहीं कर पा सके क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ थी, अलाउड नहीं था। हम सीधा सत्संग की वीडियो रिकॉर्डिंग की है, वहाँ से शुरू करते हैं।
तो दोस्तों ये मेला लगता है 3 या 4 घंटे लगता है, ज़्यादा नहीं, बस रात को ही लगता है। 7 या 8 बजे स्टार्ट होता है, फिर 12-1 बजे ख़त्म होता है। मेला ख़त्म होता है हम सीधा विंदर में चले गए, वहाँ पे रात को सो गए। फिर सुबह को उठते ही हमने गाड़ी को सफाई की, फिर निकल पड़े अपने मंजिल की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ हम नूरियाबाद पे रुके हैं, थोड़ी सी चाय पियेंगे, दिमाग को सही करेंगे, फिर सीधा अपने रास्ते पे निकलेंगे जहाँ पे हमारी मंजिल है थाना बुला खान में।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक किया करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे थोड़ा सा कमेंट भी कर दें, हमारा दिल खुश हो जाएगा। प्लीज थोड़ा सा कमेंट कर दें, कोई भी कर दे भाई, थोड़ा कमेंट कर दें। तो चलिए दोस्तों अब कोई दूसरी कहानी में मिलते हैं, कोई दूसरे व्लॉग में मिलते हैं। मैं सोच रहा हूँ डेली व्लॉग करूँगा कि यार टाइम नहीं मिलता, क्या करें, जल्दी कोशिश करूँगा ये भी। तब तक बाय बाय, टाटा।